ग्रोथ, ग्रोथ सबसे पहले समझो कि ग्रोथ होती क्या है और कैसे होती है। ग्रोथ होती क्या है और कैसे होती है। सबसे पहले इस मतलब किसी की भी ग्रोथ, भाई मेरी ग्रोथ कितनी होगी उसका डिसीजन मैं खुद लेता हूँ। मेरी ग्रोथ कैसे होगी, कितनी होगी, उसका डिसीजन मैं खुद लेता हूँ। और वो डिसीजन कैसे लिया जाता है, मेरे चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा है, मेरा माइंडसेट कैसा है, मेरी सोच कैसी है। अभी अगर मैं दो बंदों का एक उदाहरण ले लेता हूँ, भाई एक बंदा है वो काफ़ी गरीब, मतलब एक कहीं पे ऐसी जगह रह रहा है जहाँ पर भाई यूँ है कि यार काम चल जाए यार भाई, अरे आज का तो रोटियों का जुगाड़ कर लेना, ठीक है। एक बंदा ऐसा है भाई आज का तो करना है और कल के बारे में मुझे सोचना है, कल और परसों के बारे में कैसे क्या होगा। तो यहीं से एक डिफरेंस चालू हो जाता है, यहीं से एक डिफरेंस चालू हो जाता है कि भाई कैसे होगा क्या होगा। तो एक सोच, एक बंदे की सोच बहुत ज़्यादा, मतलब उसका बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रोल है कि आप सोचते क्या हैं। अभी ग्रोथ की बात कर रहे थे हम लोग, ग्रोथ में भाई एक बंदा है उसकी सोच है अरे सर इंजीनियर तक बन जाऊंगा तो ठीक है, ठीक है सर इंजीनियर तक बन जाऊंगा ठीक है चल जाएगा काम। एक ही हूँ है सर मेरा तो मतलब हजम ही नहीं होती बात, मैंने मेरे को मैनेजर बनना ही बनना है, मेरे को मैनेजर बनना ही बनना है। अपने स्टूडेंट हैं, एक दो स्टूडेंट हैं, उनका मैं उदाहरण दे के आप लोगों को बताता हूँ। मतलब रियलिटी से हम कंपेयर करते हैं चीज़ों को, मैं ऐसे ही नहीं हवा में बातें करूँगा यार ऐसे ही वैसे। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं भाई आप सब लोग, तो बहुत ही कम लोगों के माइंड में ये होता है सर भाई सर मैं तो अभी सुपरवाइज़र बन जाऊँ, टेक्नीशियन बन जाऊँ, मैनेजर बन जाऊँ, मतलब मैक्सिमम सुपरवाइज़र तक या इंजीनियर तक, इस तरह की थिंकिंग है। अभी मैनेजर वाली बहुत कम लोगों को है, तो नहीं यार मैं मैनेजर नहीं बन सकता हूँ, बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा होगा। बट ऐसा कुछ नहीं है। अपने मैं बताऊँ, एक कॉमन स्टूडेंट लेते हैं, अपने एक स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने यहाँ पे ज्वाइन किया था, पहला या दूसरा बैच था हमारा, उसमें उन्होंने ज्वाइन किया। तो क्लासेज कम्प्लीट हुई उसकी, क्लासेज कम्प्लीट हुई, पहले उसको पहले से ही कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस था। तो भाई ठीक है, बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है यार मुझे क्या ज़रूरत है, कोर्स कर लिया मैंने सीख लिया। बट उसके अंदर कुछ जुनून, जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा ना कुछ करने का, सर मेरे पास फ़ोन आता है माँ भाई अभी किस पोजिशन, बोले सर मुझे ना सर मैनेजर का इंटरव्यू देना, सर मुझे मैनेजर बनना है। कौन बोल रहा था, ये बंदा जिसने पहले ITI की हुई थी, पहले उसने ITI की हुई थी, फिर डिस्टेंस से डिप्लोमा किया, और जिस दिन उसके पास डिप्लोमा की मार्कशीट उसके हाथ में आई ना, मेरे को बोलता सर मैं अब डिप्लोमा होल्डर हो गया हूँ, सर मुझे ना मैनेजर बनना है। उस दौरान वो एज ए टेक्नीशियन वर्क कर रहा था, 17-18 हज़ार रुपये सैलरी वो अर्न कर रहा था। तो वहाँ भी मैनेजर बनना है, मैं भी यार क्या चलो, एक मिनट देखो, यूनिक पर्सनैलिटी और एक डिफरेंट माइंडसेट आते हैं तो एक डिफरेंट फील भी आता है। तो वहाँ भी मैनेजर बनना है, चलो कोई नहीं हो जाएगा यार, तो कैसे होगा, मैं कुछ नहीं करना, तुम्हें इंटरव्यू देना है ना स्टार्टिंग में, तो इंटरव्यू दोगे जब भी कुछ होगा एक्सपीरियंस वगैरह बात की। माँ मैंने उसको एक CV भेज दिया, माँ इस CV में ना थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस है वो अपनी कंपनी का डाल दो, और बाकी सब कुछ मैंने उसी हिसाब से, भाई यहाँ मैं असिस्टेंट मैनेजर था मैनेजर था, उसी के हिसाब से उसका CV हमने जनरेट कर दिया और उसको CV दे दिया। भाई उसने अपना माइनर चेंज किया और इंटरव्यू देने गया, एक इंटरव्यू दिया, दो इंटरव्यू दिया। कितने इंटरव्यू दे सकते हैं आप लोग? अगर आपको एक मैनेजर बनना है, और मैं कहूँ कि 6 महीने में का एक कुछ टारगेट है आप लोगों का, या यूँ सोचो कि 6 महीने में आप लोगों को इंटरव्यू देना है, कितने इंटरव्यू दे सकते हैं? 20-25, 12-13, 40-45, बहुत बढ़िया, 80, बहुत नहीं, फिर भी भाई जॉब भी करनी है यार, घर भी चलाना है, ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़ के खाली इंटरव्यू देना है, जॉब के साथ में है ये चीज़ें।
कितना फिर भी काउंटिंग बताओ, 30-35, 80 वाला कौन था उधर, ये था 80 वाला। उस बंदे ने 6 महीने के अंदर 250 से ज्यादा इंटरव्यू दिए, जॉब करते करते भैया आज कुछ दिन यहां कर ली, 5 दिन 10 दिन या महीने कर ली, फिर यहां कर ली वहां कर ली, मतलब उसने टारगेट बना लिया था कि मुझे भाई कुछ न कुछ करना है। उससे पूछा मैं, भाई क्या हुआ, उसको एक चीज और मैंने बोली थी, मैं तुझे क्या करना पड़ेगा कि मैं देखो मैनेजर का तो मैं अभी नहीं कहता हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा हाँ इशू होता है, बट तू एक इंजीनियर तो बहुत आराम से बन जाएगा बहुत जल्दी, इसके लिए एक चीज करनी है तुझे, तो 9,000 रुपये खर्च करनी है। बताओ सर किसको देने हैं, भाई मैं आपको बोलूँ भाई 9,000 रुपये खर्च करने हैं, आप बोलो अरे सर कौन सा कोर्स करवाना चाह रहे हैं, यही चीज माइंड में आएगी ना, बट वो डिफरेंट पॉइंट था। तो क्या हो सकता है वो 9,000 कहाँ खर्चा करना था, मैं बोलता हूँ कि 9,000 का खर्चा करना होगा तो आप क्या फोकस कर सकते हैं, कहाँ आप लगा सकते हैं उस 9,000 को, कोर्स पे और बताओ कुछ भी यार सीखने के ऊपर, और कोर्स कर चुका था वो मैंने इधर इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स तो कर चुका हैं, नहीं मैं बताया ना कि कुछ चीजें जो मैं बताता हूँ ना सोच से परे ही होती हैं। मैंने भाई भाई बोला भाई बोला सर मेरे पास बाइक है, मैं तुझे जिस दिन 9,000 रुपये का तेरा तेल खर्च हो जाए ना मुझे बता देना, आपको इंटरव्यू देने हैं यार, जिस दिन 9,000 रुपये का तुम्हारा तेल खर्च हो जाए और तू इंजीनियर नहीं बने मुझे बता देना। बोला सर 6,000 समथिंग का पेट्रोल मेरा खर्च हुआ है और सर मैं इंजीनियर बन गया, 42,000 रुपये सैलरी ले रहा है अभी वो, और आज ही फोन आया मेरे पास, सर यहाँ ना मजा सा नहीं आ रहा। मैं भाई तू रुक जा, मतलब अभी 4 महीने होंगे उस कंपनी में, बोला सर मजा सा नहीं आ रहा कुछ और बताओ, मैं अभी बताते हैं और अभी रुक जा अभी कुछ दिन, क्योंकि स्टेबिलिटी भी जरूरी है, ऐसा नहीं कि भाई चेंज करते रहें। तो चीजें हैं भाई हमें क्या करना है, तो उसमें सबसे पहले अगर ये आप लोगों को सब समझ में आया तो उसको वो 42,000 की सैलरी किसने दिलवाई, क्या हमारे कोर्स ने दिलवाई, उसकी उसका जो डेडिकेशन था ना उसका जो डेडिकेशन था उसने दिलवाई ना भाई। सब लोग कोर्स तो आप भी कर रहे हैं और हजारों बच्चे कोर्स कर चुके हैं अपने यहां से, बट हर किसी के माइंड में हर किसी के सर मुझे ये करना है, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ, मैं एक साइड पर मेरी पहला फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव, मेरी पहली फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव की जॉब, मैं वहाँ पर ज्वाइन हो गया, ठीक है वहाँ बहुत कुछ सीखने का था, सीखते रहे। तो वहाँ पर ना मैनेजर के इंटरव्यू चल रहे थे, तो जो साइड थी ना मुझे यार क्या इस साइड पर कुछ नहीं है, छोटी सी तो साइड है, वहाँ पर भाई एक्सपीरियंस वाले बंदे आया, भाई मेरे को तो 8 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को 10 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, लोग आते हैं और बोले भाई वो तो साइड बहुत बड़ी है, मैं यार बड़ी कहाँ से लगती है, तो आपका माइंडसेट क्या कहता है, अरे यार यहाँ तो बहुत काम करना पड़ रहा है यार, ये तो इस तरह, मतलब एक हमारे अंदर एक नेगेटिविटी आ जाती है ना उस चीज़ की भी, तो वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है। कोई काम नामुमकिन नहीं होता है, मुश्किल ज़रूर होता है, ऐसा नहीं है कि भाई मुश्किल तो कोई है नहीं, मुश्किल बहुत चीज़ें हैं, रोड़े आएंगे रास्ते में, स्ट्रगल है, गिरोगे, बट सबसे पहले आपको एक अपना माइंडसेट तैयार करना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, भाई कोई नहीं तोड़ सके, एक पॉजिटिव माइंडसेट जिसको कोई नहीं हिला सके, जिसको कोई नहीं हिला सके, हिम्मत नहीं हो भाई, भाई तू नहीं बन सकता यार, किसके अंदर हिम्मत है यार मेरे को रोक सकता है, मेरे को तो ये बनके ही दिखाऊंगा, मैं तो ये बनके ही दिखाऊंगा, क्या क्या उस चीज को कोई रोक सकता है क्या। अगर एक इंसान ने अगर कुछ ठान लिया ना तो वो पॉसिबल भाई हो ही जाएगा, अगर आपका जो अंदर डेडिकेशन है ना वो स्ट्रांग है, आपके अंदर का डेडिकेशन भाई नहीं भाई मैं करके मानूंगा,
तो अभी देखो, मैंने कुछ आप लोगों को चीज़ें बताई, अभी हम बात कर रहे थे कि भाई ग्रोथ कैसे हो, सब सबके लिए ज़रूरी है। ग्रोथ के लिए सबसे पहले आपको अपना कुछ टारगेट रखना पड़ेगा, और टारगेट स्ट्रॉन्ग, एवं ही नहीं यार ठीक है यार, टारगेट अपना स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग टारगेट होगा जब भी कुछ आउटपुट अच्छा मिलेगा। भी हमने इसमें क्या किया, भी ठीक है मेरे को मैनेजर बनना है, मेरे को एक मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने के लिए प्लानिंग कैसे करेंगे हम, कैसे क्या होगा। सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहली चीज आपके माइंड में ये होना चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए वो यार मुझे जाना कहां पर है। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, यार मुझे जाना कहां है। अगर आपको यही नहीं पता मुझे जाना कहां है तो क्या है फिर, पता नहीं यहां इस पॉइंट पर कब पहुंचोगे, कभी पहुंचोगे नहीं। जिसको बोलते हैं गोल सेट करना, गोल सेट करना, भाई पहले तो प्लान करना पड़ेगा ना, भाई ग्रोथ है, ग्रोथ कैसे होगी, भाई मेरे को ये बनना है, ये बनना है, ये बनना है। उसमें भी गड़बड़ हो जाता है, भाई एक आईटीआई वाला बंदा है, एक आईटीआई वाला बंदा, वो कहता मैं मैनेजर बनूंगा भाई इतने दिन में। भाई सबसे पहले तो रोड़ा तेरे उसमें तेरी एजुकेशन है, तो हमें उसको भी प्लान कर, ऐसा नहीं है कि एक आईटीआई वाला प्लान नहीं कर सकता, एक आईटीआई वाला कैसे प्लान कर सकता है वही मैं पहले बता देता हूँ। एक आईटीआई वाले ने जॉब की, अपना कोर्स कर लिया, सपोज मैं आप में से किसी को ले लेता हूँ कि कोर्स कर लिया सर मैंने, और अपनी लाइफ स्टार्ट कर ली, और मेरे को मैनेजर बनना है, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन है सर कैसे बनूँ, वो मेरी हेल्प कर दो, तो वही आगे कर रहा हूँ। एक आईटीआई वालों को समझ में आ जाएगा, डिप्लोमा और बीटेक वालों को भी अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसने एक जॉब स्टार्ट कर दी, अभी मैंने एक कहानी बताई थी ना एक लड़के की, जिसने इतने सारे इंटरव्यू दिए थे, पहले आईटीआई ही था वो, डिस्टेंस से डिप्लोमा किया उसने, ठीक है। पर आपने आईटीआई किया है, अपना करियर स्टार्ट कर दिया, जॉब मिल गई पहली, जिस दिन पहली जॉब मिल जाए अगर आपका बड़ा लक्ष्य है, तो ये सोचो भाई जो मेरी एजुकेशन है उसको अब कैसे करना है मुझे। भाई ठीक है सर 3 साल लगेंगे सर इसमें, तो कितने 3 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं। डिप्लोमा बंदा करेगा अगर आईटीआई है तो 2 ही लगेंगे शायद, 2 साल लगेंगे और 3 साल लगेंगे, ठीक है। 2 साल क्या होता है, चुटकियों में चले जाते हैं। आपने अपना स्टार्ट किया, भाई सबसे पहले मैं टेक्नीशियन बन गया हूँ, ठीक है। अभी इसमें हम साथ साथ में ये सीख रहे हैं कि और क्या क्या, कि अगली पोजीशन क्या होगी, फिर पोजीशन क्या होगी। सबसे पहले एक टेक्नीशियन हमने ज्वाइन कर लिया, टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया कितने हजार रुपए में, 13,000 से 18,000 रुपए में मैंने टेक्नीशियन ज्वाइन कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा कहीं इसमें से कुछ बचा के मैंने अपना डिप्लोमा भी चालू कर दिया, ठीक है। फिर भाई अभी क्या करना है मुझे, अभी मैं अपना गोल सेट कर रहा हूँ, भाई खाली टेक्नीशियन से तो काम नहीं चलेगा, आईटीआई के बेस पे मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, भाई सुपरवाइजर तक जा सकता है तू, क्या कहाँ तक जा सकता है, सुपरवाइजर तक, तो सुपरवाइजर तक जा सकते हैं भाई, ठीक है यार। सुपरवाइजर के काम क्या क्या होते हैं, क्या क्या करना पड़ेगा सुपरवाइजर को, कितने दिन का एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है सुपरवाइजर बनने के लिए, कम से कम कितने दिन की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं कितने, कम से कम कितना एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ेगी, भाई 1.5-2 साल दो आपको लग जाएगा एक सुपरवाइजर बनने में, ठीक है 2 साल, ठीक है जी 2 साल, ठीक है जी जब तक मेरा डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है 2 साल। भाई 2 साल में अभी क्या किया मैंने, इलेक्ट्रिकल सीख लिया, क्या सुबह मैं बताया ना, फिर ये सीख लिया जी, फिर ये सीख लिया मैंने। भाई देखो बिना लर्निंग भी कुछ नहीं, ऐसा नहीं अगर मैंने सोच लिया बस करूँगा, करूँगा कैसे यार, कोई रास्ता तो दिखाएगा ना, कोई रास्ता तो दिखाएगा। अभी हमें ये पता लग गया है कि मुझे यहाँ से मुझे कश्मीरी गेट जाना है दिल्ली, मेरे को तो पता लग गया कश्मीरी गेट जाना है, यहाँ पूछा बाहर से दुकान पे जाते ही, भाई मेरे को कश्मीरी गेट जाना है, भाई तुझे ना पहले परी चौक जाना पड़ेगा, परी चौक उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इधर घूम के ऐसे, उसने मेरे को इतना सा रास्ता दिखा दिया, ठीक है। फिर आगे गया, यार आगे और क्या होना है, हाँ भाई तू तो यार यहाँ से चाहे तो मेट्रो पकड़ ले या ये पकड़ ले,
ठीक है, तो कौन आपको रास्ता दिखाता है? ये बंदे ने आपको बोला भाई अरे नहीं यार ये तो रहा, पैदल चला जा, तू ऑटो ले सकता था, ऑटो में तुम्हारी 5 मिनट लगती, पैदल में तुम्हारी 25 मिनट लगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हम डायरेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? टाइम, हम ना टाइम को कभी वैल्यू नहीं देते हैं। सबसे बुरी चीज टाइम को कभी वैल्यू नहीं देते हैं। टाइम इज सो इम्पोर्टेंट यार, कोई नहीं यार, क्या हो गया, इस महीने नहीं अगले महीने हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाएगा दोस्त। ये तो महीना है, ये तो मंथ है, हमें तो मिनट्स की प्लानिंग करनी है अपनी। भाई आज ना मुझे यार 50 मिनट तो मुझे HVAC का पढ़ना है, फिर थोड़ा सा मुझे वो इलेक्ट्रिकल में ना ये चीज़ें हैं तो 40 मिनट वो पढ़ूंगा, और फिर यार ये करना है, फिर ये करना है, तो मंथ की प्लानिंग नहीं होती है भाई, मंथ की होगी, मंथ में फिर डेली यार हर रोज़ मुझे कितनी देर, यार 2 घंटे मुझे YouTube देखना है यार, YouTube में क्या क्या देखना है, मेरी डायरी है भाई, उसमें लिखा हुआ है कि मुझे इलेक्ट्रिकल में इम्प्रूव करना है जी, यहाँ यहाँ से इम्प्रूव कर लिया, कोई नहीं, या यार कोई इंस्टीट्यूट है यार उसमें करूँगा, मेरा थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो कोई स्किल नहीं दोस्तों क्या, जैसा कोई ट्रेनिंग सेंटर है या कुछ भी है वो क्या करेगा, हाँ जी कम टाइम में चीज़ें हो जाएंगी। तो आप लोग YouTube तो बहुत दिन से देख रहे हो अपना, ऐसे कितने जो 6 महीने से अपना YouTube चैनल फॉलो कर रहे हैं, हाथ उठाएं जो पिछले 6 महीने से YouTube चैनल देख रहे हैं, 4 महीने से, 3 महीने से कितने देख रहे हैं? तो देखो आप YouTube चैनल चाहे आप 1 साल से भी देख रहे होते ना, और आप उसके बाद इंटरव्यू देने जाते, जॉब करने जाते, तो जॉब मिल जाती क्या? तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो थोड़ी सिस्टमेटिक होती हैं, तो हमें सिस्टमेटिक चीज़ों के थ्रू भी हमें जाना है। कई बार हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियों से क्या है कि नहीं यार ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मैंने बताया टाइम सबसे इम्पोर्टेंट है भाई। एक बंदे ने, दो बंदे हैं हमारे पास, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, दोनों एक साथ में कॉलेज से पास आउट करके आए हैं, और नंबर भी दोनों के बराबर हैं। एक ने सोचा भाई मैं तो यार भाई मैनेजर बनूंगा, 6 साल में बनूंगा जी, मैं तो 3 साल में बन जाऊंगा, 4 साल में बन जाऊंगा, जितने में बनते हैं। तो भाई है ना, ये 4 साल में बनेगा तो फास्ट करेगा ना कुछ ना कुछ, किसी ने कुछ तो प्लानिंग होगी, ये गोल है ना, गोल सेटिंग भी ऐसे ही नहीं होती हवाओं में, अभी हमने अपनी गोल सेटिंग कर ली, अरे भाई नहीं यार इसने 4 किया मैं तो 3 का लिखूंगा अपनी किताब में, ऐसा नहीं होता है। पहले हम पूरे भाई मैंने 4 साल की मैंने रख लिया सपोज, फिर 4 साल में भाई कितने 4 साल हो गए, तो पहले साल में क्या करूँगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल एंड चौथा साल, ठीक है, 1, 2, 3, 4। पहले साल में 12 महीने आते हैं भाई, पहले साल में 12 महीने आते हैं, इन 12 महीने में पहले महीने में क्या करूँगा, दूसरे में क्या करूँगा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 1 महीने में 30 दिन होते हैं भाई, 1 महीने में 30 दिन होते हैं भाई, इस दिन मैं ये पढ़ूंगा, इस दिन ये करूँगा, इस दिन ये हाँ ये करूँगा, मतलब यू गॉट माई पॉइंट। और 30 दिन के में होते हैं, 1 दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं यार, जिस दिन आपने अपना घंटा घंटे को प्लान कर लिया ना, आपको कोई हराने वाला नहीं होगा। जिस बंदे ने अपने घंटे को प्लान कर लिया उसको कोई हराने वाला नहीं होगा। कभी आप लोगों ने सोचा है, मतलब कोई है जिसने अपने घंटों को प्लान करने के बारे में सोचा हो? आपने, आपने बहुत बढ़िया, क्या प्लान किया आपने अपने घंटे को? आपने बिल्कुल, तो अभी आप लोगों ने है मतलब अभी ग्रोथ कर लिया, ठीक है यार
जिस 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 पहाड़ी पे हम चढ़ रहे थे वहाँ पे नहीं चढ़ पाए हम किसी वजह से। वहाँ पे एक ही फ्लैग लगा हुआ था, उस झंडे को कोई हमारे से पहले चढ़ के कोई ले गया। बट ओके तो भाई आप लोगों को अपने घंटे, मैं घंटे ही बोलूँगा अभी, इसमें घंटे से मिनट और मिनट पे सेकंड पे आ गया ना तो वो ज़्यादा ही हो जाएगा। वो जब यहाँ पर पहुँच जाओगे ना, जब मैनेजर की पोजीशन पर पहुँच जाओगे और डीजीएम जीएम के लिए जब प्लानिंग स्टार्ट करोगे ना तो ये घंटे से फिर तो ये तो बिल्कुल ही ये फिर मिनट से काम चलता है। भाई आज यार 5 मिनट की मीटिंग है यार 10 मिनट, तो आप कहते हो अरे यार भाई, और उसके पास तो बिजी रहता है बंदा, एक एक मिनट उसको अपनी प्लान करनी पड़ती है। भाई मेरी 20 मिनट की वहाँ मीटिंग है, 30 मिनट की वो है, तो एक एक मिनट हमें अपनी प्लान करनी पड़ती है। तो अगर आपको रियली लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, भाई भीड़ तो जा रही है, भीड़ तो जा रही है, भीड़ से अलग अगर आपको कुछ करना है तो आपको कुछ डिफरेंट प्लान करना पड़ेगा, दूसरे से अलग होना पड़ेगा यार, दूसरे से अलग होना पड़ेगा। अभी आप लोगों की कुछ चीज़ें रह गई होंगी, वो हम आगे दूसरे टॉपिक में डिस्कस करेंगे कि आपको पहली जॉब तो मिल गई, समझो आपने यहाँ ज्वाइन कर लिया, पहली जॉब तो आपको मिल गई, दूसरी जॉब, तीसरी जॉब, चौथी जॉब, आगे जॉब कैसे मिलेंगी, क्या करना पड़ेगा, क्या सीखना पड़ेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अगली पोजिशन के लिए, क्या होता है, वो हम डिफरेंट डिफरेंट क्लासेज में बीच बीच में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। हमने 2 दिन पहले भी बात की थी गोल सेट करने की, तो कोई है ऐसा जिसने अपना गोल लिखा हुआ हो डायरी के अंदर? हाँ, एक कौन सा था भाई, ब्रूसली था शायद, ब्रूसली की स्टोरी सुनी आप लोगों ने? ब्रूसली हाँ, उसकी कैसे बना वो, कुछ उसका आइडिया है? वो बंदा भाई जैसे क्या होता ना, उस बंदे को जुनून हो गया था कि भाई मुझे बेस्ट बनना है इसके अंदर, अपने देश में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर मुझे बेस्ट बनना है। और मेरे को भी मतलब थोड़ी थोड़ी याद आ रही है, उसने क्या किया कि अपने गोल को, अपना पूरा गोल बनाया उसने, और अपने गोल को रख के ना जो पहले उसने एक चिट्ठी लिखी, अपने आप को एक चिट्ठी लिखी कि मुझे ये बनना है, ऐसे ऐसे रहेगा, और उसने अपने पॉकेट के अंदर रख ली हर रोज, मतलब जब भी लगता उसने वो चिट्ठी निकाली पढ़ी, मतलब अपने आप को मेमोराइज करना, अपने आप को याद दिलाना भी जरूरी होता है। तो अगर आपने भाई कहीं कुछ लिखोगे नहीं यार, ठीक है भूल जाओगे कल, भाई आदमी ना जितने पता नहीं कितना टेराबाइट यहाँ पर है, उतना ही अगर हम उसको दूसरे वे में लेंगे तो अरे कोई नहीं यार, ठीक है आज तो नहीं यार, आज तो गर्मी हो रही है यार, आज नहीं पढ़ रहे, कल पढ़ लेंगे यार, क्या होगा, एक दिन तो फर्क पड़ रहा है, एक एक दिन करके बहुत कुछ निकल जाता है। मैंने सबसे पहली चीज़ बोली थी डेडिकेशन, यार मैं किसके अंदर हिम्मत है कि मेरे को रोक दे, किसके अंदर हिम्मत है मेरे को रोक दे। जिस दिन ये आ गया ना, लाइफ बदल के हो जाएगी। मैं जब एक अपनी और छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, मैं वर्किंग कर रहा था, बहुत अच्छा अमाउंट मेरे को मिल रहा था, ऑपरेशन मैनेजर मेरा डेजिग्नेशन था, मैं जहाँ पे काम कर रहा था, जब छोड़ा ना मैंने, अरे पागल हो गया यार, ये तो ऐसे है वैसे है, रेजिग्नेशन दे के मैंने इमीडिएट नहीं, मेरा को नहीं करनी जो स्किल्ड हिंदुस्तान जब मैं स्टार्ट कर रहा था, कोई वेबसाइट अभी क्या करूँ साला, क्या करूँ, कैसे चालू करूँ मैं, ठीक है यार घर पे बैठ के यार वेबसाइट बनानी पड़ेगी, वेबसाइट बनानी किससे बनवाऊँ, बात बूत की कुछ मज़ा से नहीं आया, गूगल देख के यूट्यूब देख के खुद वेबसाइट बनाई, कोर्स पहला कोर्स स्टार्ट किया मैंने अपनी वेबसाइट से, ठीक है। उससे भी पहले मैं सोचा यार कुछ लोगों के लिए ना कुछ अच्छा करते हैं, कुछ भला करते हैं,
मैंने कम से कम 30 ITI यहाँ आसपास की 30 ITI में विजिट किया। मैं सर मैं आपके लड़कों को ना फ्री में ट्रेनिंग दूंगा, मैं आपके लड़कों को फ्री में ट्रेनिंग दूंगा आपके यहाँ पे आके, कोई चार्ज नहीं चाहिए है। हाँ ठीक है सर, बताते हैं, बता देंगे, कोई नहीं। मतलब बहुत सारे बच्चों को भी भाई, जैसे आप लोग हो ITI के अंदर, भाई किसी को कुछ हेल्प चाहिए हो, ये है मैं ऐसे करा सकता हूँ, ये है। हाँ हाँ सर, मतलब 2 महीने 2.5 महीने ये किया, माँ चलो भी कंपनियों में ट्रेनिंग देते हैं। नहीं नहीं भाई, जिसको ज़रूरत भी होती है, नहीं नहीं यार। तो स्ट्रगल बहुत, मतलब मेरे को भी लगा नहीं यार थोड़ा सा कहीं ऐसा तो नहीं, कई बार माइंड में आता था कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया हो इसको ऐसे करने का, फिर नहीं अपने आप को कंट्रोल कर, नहीं भाई तूने जो सोच रखा है ना वो तू करेगा, करना ही है यार, मेरे को कौन रोक सकता है। अपने आप को एनर्जेटिक करना, फिर लग जाओ भाई, कोई नहीं, फिर लग जाओ। पहले ऑफिस में, पहले घर पे ही टेबल, एक टेबल पे लगे हुए हैं, पता नहीं 8 घंटे 6 घंटे 12 घंटे कितने घंटे काम कर रहे हैं, कुछ पता ही नहीं है, कुछ बना रहे हैं कोर्स में, पता ही नहीं क्या बनाना है। मतलब पता तो है कैसे बनाना है, पता ही नहीं है, कुछ बनाया ठीक है, भी स्टार्ट हुआ सब कुछ। पहले एक ये मेरे ऑफिस में एक इस साइड में एक छोटी सी टेबल देखते हैं ना, मेरे पहले ऑफिस की ये टेबल थी, और जिस चेयर पे मैं बैठता हूँ वो चेयर थी, इसी टेबल चेयर के साथ एक ऑफिस स्टार्ट किया, स्टार्ट लोगों का आना स्टार्ट हुआ, अंदर एक पॉजिटिव चीज़ थी, और मेरे को था कि नहीं यार कुछ अच्छा ही काम कर रहा हूँ मैं तो, लोगों को जॉब दिला रहे हैं, उनको कैरियर को अच्छा कर रहे हैं, कुछ अच्छा ही हो रहा है, चीज़ें होती रही, कभी नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें तो लाइफ में हमेशा आएंगी यार, स्ट्रगल हमेशा आएगा। मैं सोचता यार क्या मेरे पास उसके बाद क्या जॉब के ऑफर नहीं थे, मेरे को वही था यार करके देखूंगा, 6 महीने साल भर ट्राई करूंगा, नहीं होगा तो जॉब तो भाई हजारों पड़ी है मेरे पास में। एक कोर्स बनाने के लिए पहले मेरे पास सपोज इतनी नॉलेज थी, कोर्स बनाने के लिए भाई बच्चा क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या है, अपने आप को और प्रिपेयर किया अपने, तो भाई नॉलेज तो मेरी बिल्ड हो रही है भाई, और कुछ नहीं, मेरे को नॉलेज तो मिल रही है, जो भी वो लक्ष्य भी मिलेगा। तो हमें क्या होगा कैसे होगा भाई, ठीक है वो भी थोड़ा सा सोचना, ऐसा नहीं है कि यार अरे ठीक है जो भी हुआ देखी जाएगी, इतना भी हम भाई सब फैमिली है सब कुछ है, बट प्लानिंग होनी चाहिए उसके अंदर भी, और आपके अंदर करने का जज्बा होना चाहिए, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ये मैं आप लोगों को गारंटीड बोलता हूँ। मैं जिस साइड पर MST था, मेरी पहली साइड थी, मैं MST था, तो हम लोग क्वेश्चन पूछते थे भाई, अरे भाई DG में रहते थे, DG ऑपरेटर के तौर पर काम करते थे, अरे भाई ये क्वेश्चन बन गए हैं, 8 क्वेश्चन हो गए हैं, आप तो बिटा काटक पूछ लेते हो अभी, कुछ होता नहीं था, ना यूट्यूब था ना कुछ था, अरे यार किससे पूछें, जो एग्जीक्यूटिव वगैरह थे भाई, अरे बैठे हुए हुआ प्रदीप बैठा तो साइड पे ही नहीं आना है, उधर आज DG का दौरा ही बंद, आज DG देखने ही नहीं जाएंगे, कुछ थे कुछ लोग थे मतलब जिनको आज भी याद करते हैं, मिस्टर रामाश्रय थे, मतलब बहुत नॉलेज थी उनको, बहुत उनसे भी हमने सीखा। मेरा रूममेट था कुमोद, हम रात को 9 बजे तक डिस्कशन करते थे, मैं जुनून के बारे में बता रहा हूँ आपको, 9 बजे तक 10 बजे तक, अरे साला 10 बजे आप किसको फ़ोन करें यार, कहीं तो गूगल पे नहीं देख सकते, यूट्यूब पे नहीं देख सकते, कुछ मतलब कुछ था ही नहीं, नॉर्मल फ़ोन थे, यार किसको फ़ोन करें यार, उसको सो गया होगा, चल कोई नहीं कर लेते हैं, किसी ने भाई फ़ोन उठा लिया, नहीं उठाया तो सुबह ही, रात को भी सपने में वही है कि यार पूछना है यार ये मुझे क्लियर करना है, ये कैसे होगा क्या नहीं होगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा दोस्तों। जब मैं एक मैनेजर की पोजीशन पर बना था ना, तो जो मेरा एग्जीक्यूटिव थे या जो भी मेरे एग्जीक्यूटिव को मैंने जॉब दिलाई, मेरे नीचे मेरा एक मैनेजर था, जो उस साइड पर मैं हमारा मैनेजर था, वो मेरे को इंटरव्यू देने आ रहा है, अरे प्रदीप, अरे माँ सर आप अभी मेरा इंटरव्यू ले लो, जो जिस साइड पर मैं MST था, वो मेरे को इंटरव्यू देने आया हुआ, ऐसा नहीं है मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ यार, मैं ऐसा हूँ ऐसा हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक है कुछ किस्मत ने साथ दिया, किस्मत भी उसी का साथ देगी जो खुद अपने लिए कुछ करेगा।
मैं भी ठीक है यार, नहीं मैं भी अभी स्क्रू कस रहा था किसी साइड पर, मैं कहता अरे 15 साल का एक्सपीरियंस हो गया, डीजी ऑपरेटर हूँ मैं भी बोल रहा था आपको। तो आपकी सोच, मेरे को लगा नहीं यार ये जगह मेरे लिए ठीक नहीं, मुझे कुछ और करना है। मैंने नहीं सोचा था मैनेजर बनना है, मैं आप लोगों को रियली बताऊं, मैंने नहीं सोचा था मैनेजर बनना है। नहीं यार मुझे तो भाई ऊपर, इससे ऊपर वाली पोजीशन पर जाना है, ऊपर भाई मेरे को एक से यहाँ से दिख रहा है वहाँ तक, हाँ उस पोज वहाँ तक जाना है भाई, जो मुझे दिख रहा था वहाँ गया, उससे आगे दिखने लग गया दूसरी चीज़, यार वहाँ पर भी कुछ है और आगे, यार और आगे भी कुछ है। तो जहाँ जितना आगे हम जाते रहते हैं रास्ता हमें दिखता रहता है। तो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो, बड़ा करो, बस इसी पॉइंट के साथ में भाई आज का कन्वर्सेशन हम एंड करेंगे। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। क्या चीज सुपरवाइज, हम नेक्स्ट वीडियो हम एक बनाएंगे एक दो दिन के बाद में, हम यहाँ पर प्रॉपर आपको एक एक चीज़ उसके बारे में समझाएंगे कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये रहेगा, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर डिस्कस करें। एक ऑलरेडी मेरी वीडियो भी होगी यूट्यूब के ऊपर, उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ पर सुपरवाइजर और इंजीनियर दोनों को मैं आप लोगों को ब्रीफ कर दूंगा। और कुछ डेफिनेटली मैं बोलता हूँ ना आप लोगों के, यार सब हो जाएगा, जिसका गैप हो गया ना सब हो जाएगा, और मैं उसको प्रूव करके दिखा दूंगा आपको कैसे होगा। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई बहुत सारी मतलब ये चीज़ें ना, ये देखिए ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट कर रही है यार, देखिए ये यार न्यूट्रल फेस लगाओ तो बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, हम बहुत पहले बल्ब जला चुके हैं, ठीक है। जो 15-16 साल का एक्सपीरियंस है ना उसको सब देखें तो बहुत आराम से हो जाएगा। और जो बंदा अपने पुराने जो भी टाइम गड़बड़ हो गया उसको यूटिलाइज करना चाहता है तो उसको हम सारी चीज़ें हेल्प करेंगे, सब कुछ करेंगे, और जल्दी वो चौके छक्के लगा के, मतलब नॉर्मल बंदा जिसको 4 साल लगेंगे आप 2 साल में ही वहाँ उस पोजीशन पर पहुँच जाओगे। देखो सारी चीज़ें कवर होना तो मुश्किल है, बट 50-70% चीज़ें कवर हो जाएंगी। और कुछ ठीक है, तो एक दो दिन के बाद फिर हम इस तरह ही कुछ, कैसा लगा आज जो क्लास लेके, कैसा लगा, कैसा फील आ रहा है? तो एक एक बार कोई खड़ा होके मुझे पावर के साथ, मैं बात करता हूँ ना देखते हो ना, तो एक एक प्लीज यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, एक एक बंदा आप उस पावर के साथ बताएगा वो क्या कर सकता है, क्या बनना चाहता है, मैं ये बनना चाहता हूँ और मुझे कौन रोक सकता है, ठीक है। एनर्जी, खाना खा रखा है ना, लंच किस किसने नहीं किया है, हम उसको मतलब उससे नहीं कहलवाएंगे, हो सकता है अभी वो एनर्जी नहीं आए हैं, तो इधर से हम स्टार्ट करेंगे। आपको खड़ा होना है और पूरी पावर के साथ में उस चीज को बोलना है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, तालियां, ये बहुत बढ़िया। मैं आपको क्या बनना चाहते हो, आपको एक इंजीनियर बनना है, मुझे एक इंजीनियर बनना है और उसके बनने से कोई नहीं रोक सकता, मुझे इंजीनियर बनना कोई नहीं रोक सकता है। बहुत बढ़िया, पावर, ये तालियां पहले, एनर्जी, ये ये बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, मुझे एक इंजीनियर बनना, मुझे कोई नहीं रोक सकता, ये एनर्जी कम है भाई, इंजीनियर बनना कोई नहीं रोक सकता मुझे, ये 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 बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये आपको क्या बनना है, वहाँ वहाँ तक गेट तक आवाज जानी चाहिए, मुझे इंजीनियर बनना है, अंदर से पावर,
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, पीछे मैनेजर बनना मुझे कोई नहीं। बहुत बढ़िया, ये एनर्जी पावर के साथ में सब लोग मैनेजर बन के रहूंगा मैं। बहुत बढ़िया, ये मुझे मैनेजर बनना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये ये मैनेजर बनना है, कोई नहीं रोक सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुपर। मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये मैं आने वाले टाइम में मैनेजर बनूंगा और मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। ये बहुत बढ़िया, यस यस, बहुत बढ़िया। इधर इधर इधर, ये लाइन, यस मैनेजर बनना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। यस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया। इधर इधर इधर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे खुद की हायरिंग कंपनी बोल रहा है, जो क्रेडिट लेना है, आधा लेना है। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ये अभी जो वर्डिंग बोली, एक मजा आया ना, एक एनर्जी आई, एक एनर्जी आई ना। इसको ना जब भी बाथरूम में जाते हो, शीशा लगाए, अपना फोन लगा के ना, अपने आप को एनर्जेटिक करना भी जरूरी है। भाई पंखा है, इसका मैं कैपेसिटर हटा दूंगा तो क्या करेगा? अरे पंखे को डंडी मारनी पड़ेगी रोज। तो अपने आप को रोज एनर्जेटिक अपने आप को करो, अपने आप को हर रोज हमें एनर्जेटिक करना है। और मैं ये बता सकता हूँ, मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूँ, जिसने जो सोच लिया ना, कोई रोकने वाला नहीं है। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये सिर्फ कहने के लिए नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू।